जौनपुर लोकसभा चुनाव को अब महज 15 दिन बाकी है। 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लोग अपना अपना केंद्रीय कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार को रफ्तार पकड़ा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में लोकसभा 73 से अपना भाग्य आजमा रहे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी तादाद में महिला और पुरुष समर्थक शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि भाजपा और सपा के प्रत्याशी भ्रष्टाचारी हैं, जबकि बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटवा के फिर से श्याम सिंह यादव को टिकट मिल गया, जिन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। जनता इस बार ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारा रिटर्न न्यूज पर। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि हम जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मैदान में लेके उतरा हूँ। आप मेरे आज मेरे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि सारी जनता हमको पसंद कर रही है। दूर दूर से लोग आए हैं। 73 लोकसभा के सारे लोग ने पहुंचने की कोशिश की है अपने साधनों से। यहाँ पे कोई बनावटी चेहरा नहीं है, तो सब हमें चाह रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार जो लोग कैंडिडेट आए हुए हैं, जो बाहर से जो भ्रष्टाचारी हैं, जैसे जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी करके फिर वो आए हैं बीजेपी का दामन थाम के जो यहाँ पे आए हैं, वो नहीं जीत पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते। और उसी तरह से बसपा में घोटाला करने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो जनता उनको इन सबको ये दुत्कार रही है, नकार रही है। और पहले सांसद रहे जो बसपा और सपा के गठबंधन में श्याम सिंह यादव, वो भी यानी धनंजय सिंह का टिकट काट के, यानी सिरकला जी का टिकट काट के उनको दिया गया है, वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए हैं जब 5 साल में, तो अब क्या करेंगे। तो इसलिए जनता मुझे पसंद कर रही, समाज विकास क्रांति पार्टी को पसंद कर रही, गन्ना किसान को पसंद कर रही है। अशोक सिंह गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आए हैं मैदान में, और 75% जनता हमको स्वीकार कर रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस यादव ने आज कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़ा किया, बीजेपी को घेरा है जनद्रोही पार्टी। जी बिल्कुल, उन्होंने कोरोना को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो लगाई थी उससे बहुत सारे लोगों की जाने गई, यानी किसी को संभाल भी नहीं पाए सरकार, जो मौजूदा सरकार है और जो उस समय भी रही। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाने का काम करती है, लोगों को भिड़ाने का काम करती है, जाति और धर्म की लड़ाई लड़ने का काम करती है, अपवादों में से घिरने का काम करती है। तो फिर मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहनी चाहिए। इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी उभर के आई है। समाज विकास क्रांति पार्टी के बगैर इस बार न जो न ये 2014 का जमाना है, न 2019 का जमाना है। समाज विकास क्रांति पार्टी के अलावा किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी, बिना इनके समर्थन से किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। गन्ना किसान चल रहा है, दौड़ रहा है, और गन्ना किसान जीत रहा है। जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि कृपा शंकर सिंह जी के गांव के लोग भी उनके साथ में नहीं हैं। उनके यहाँ भी हमारी सभा लगने वाली है। उनके गांव में जहाँ उनका पैतृक गांव है, जहाँ बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, वहाँ पे हमारे लोग हैं जो हमारा स्वागत करने के लिए ये बेताब है। मैं वहाँ पे भी अपना स्वागत करवाऊँगा। तो बुरी तरह से हार रहे हैं, उनका समाज ठाकुर समाज उनको नकार रहा है। मैं ठाकुर समाज का होने के नाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर समाज के लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, गन्ना किसान का समर्थन कर रहे हैं। गन्ना किसान जीतेगा तो जौनपुर जीतेगा, जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा। नहीं, मैं किसी को बुलाया नहीं हूँ। मैं तो अभी इसके लिए गया था, लेकिन हमारे समर्थक हैं, जब सुने कि ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है तो सब अपने साधन से आए हैं। मैं तो सिंबल के लिए था, अभी भी मुझे सिंबल लाटने में जा रहा हूँ सिंबल के लिए। ये सारी जनता जो यहाँ पे आई है अपने मन से आई है, हमारे समर्थक हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। जौनपुर के हैं, कृपा शंकर सिंह भी जौनपुर के, बाबू सिंह कुशवाहा बाहर के, क्या लगता है आपकी टक्कर कुशवाहा से होगी या फिर बाबू ये बाबू सिंह कुशवाहा बाहर के हैं? आपने कहा कृपा शंकर सिंह, तो उनसे भी ज़्यादा बाहर के हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र में। उन्होंने कभी भी जौनपुर वालों के लिए कभी नहीं सोचा। जब होम मिनिस्टर रहे कांग्रेस में, घोटाला करने के बाद, अपना जेब भरने के बाद, हर जगह जितने भी बिल्डर होंगे कहीं ना कहीं उनके फ्लैट होंगे, आप इंक्वायरी कर लीजिए। तो उन्होंने सिर्फ कमाने का काम किया और जौनपुर में आए हैं धोखा करने के लिए। जौनपुर की जनता समझ चुकी है ये दोनों जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी। श्याम सिंह यादव का रहा सवाल, श्याम सिंह यादव का, वो पहले सांसद रह चुके हैं, जब जौनपुर के लिए कुछ नहीं कर सके तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी जीत रही है, गन्ना किसान जीत रहा है।